इस वीडियो पे अज्जू भाई की रियलिटी बताई गई है। अगर जो इस वीडियो को नहीं देखना चाहता, जो अज्जू भाई का फैन है और उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। तू नर्तकी है, तू भांड है, हाँ, और तू गधे की। अंड मांड आज किसकी लुगांड रे बेटे, वो नहीं है क्या नाम था उसका, बहनों का भाई अपना अज्जू भाई। ताऊ सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस ऑफ कोर्स या हम उस बाबरी गांड के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपका भाई है, हमारा भाई है, पूरी फ्री फायर कम्युनिटी का भाई है, जो फ्री फायर खेलता है उसका भाई है, जो फ्री फायर नहीं खेलता उसका भाई है, जो फ्री फायर में लड़कियां उसका भाई है, जो फ्री फायर खेलेगा उसका बड़ा भाई है, यानी कि अज्जू भाई के बारे में। भाई बच्चों ने इसको बना रखा है भगवान, लेकिन ये है भैया, देखो भैया यह है एमुलेटर टाटा। तो जिस लोगों को नहीं पता कि एमुलेटर टाटा क्या होता है, तो मैं तुम्हारा भाई है यहाँ पे, तुम्हारा भाई बताया कि एमुलेटर टाटा क्या होता है। तो जो एमुलेटर टाटा वो प्राणी वो जीव को कहते हैं जो बहनचोद खेलता है एमुलेटर से और खुद को कहता है प्रो, मोबाइल के गेम खेलता है एमुलेटर से और खुद को कहता है प्रो, ये उस श्रेणी का जीव है। लेकिन हमारी जो फ्री फायर की ऑडियंस है यानी कि बच्चे, उनको लगता है बहनचोद ही खेलता है मोबाइल से और इतना तगड़ा खेलता है कि गाड़ी मार देता सबकी। सुनो, हर जगह गाड़ी नहीं मारी जाती, यहाँ खुद भी कभी कभी एल लग जाते हैं, जैसे अभी अज्जू के लगने वाले हैं। और बहनचोद ये जो बंदा है यानी कि अज्जू भाई, इतना भाई मेहनती लौट है ना, इसकी मेहनत के बारे में कुछ बता नहीं सकता। बहनचोद ये करता है दिन में लाइव स्ट्रीमिंग, शाम में लाइव स्ट्रीमिंग, और जो लाइव स्ट्रीमिंग में से वीडियो मेन पार्ट होता है उसको कट करके री अपलोड कर देता है बहनचोद, उससे डबल डबल फायदा होता है। ये स्कीम है, 25 दिन में पैसा डबल, अपना पैसा डबल हो जाता है बहनचोद, ऐसी सी स्कीम है। तो यार ये सिंपल सा क्या करता है, दिन भर करता है लाइव स्ट्रीमिंग, जो मेन पार्ट होता है उसको क्रॉप करके डाल देगा, 4 बंदे किल, 10 बंदे किल, बहनचोद घंटा भी एक बंदा किल नहीं होता वहाँ। भैया जो हमारे अज्जू भाई है, इन्होंने किए ब्राजर यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा मिला है चूतिया बनाने में, पता है कैसे? तो यूट्यूब में इनका भयंकर 6 महीने से देख रहा हूँ कि रीच टू ग्लोबल वन प्लेयर और थंबनेल में ग्लोबल वन प्लेयर, और बहनचोद डायमंड से ऊपर हीरोइक दिख रहे, हीरोइक से ऊपर नहीं जा रहे और डाल दे रहे रीच टू ग्लोबल वन प्लेयर। ग्लोबल वन प्लेयर का मतलब भी समझता है जो ग्लोबल में नंबर वन हो, लेकिन तुम तो एमुलेटर टाटा हो, और एमुलेटर टाटा भैया एक बंदा है जो 10 उंगलियों से खेल रहा है और दूसरा जो बंदा है वो खेल रहा है सिर्फ 2 उंगलियों से, और उसमें भी आपको समझेंगे प्रो 10 उंगलियों से खेलने के बाद। अब यहाँ पर को तुमको इसका गेम प्ले दिखाता हूँ, तो स्क्रीन पे इसका गेम प्ले शो हो रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा है कितनी स्पीड में ग्लू वॉल लग रही है। भैया यहाँ पर को खाली माउस का एक क्लिक और सीधे ग्लू वॉल लग जाती है, और हमारे पहले पीछे को लो, फिर ग्लू वॉल टच करो, फिर जाके प्रेस करो, तब जाके हमारी ग्लू वॉल सही लगती है। लेकिन इनका वैसा नहीं होता है, एमुलेटर के जो टाटे होते हैं ना वो सीधे सीधे ग्लू वॉल प्रेस कर लेते हैं। लेकिन उसमें भी बहन जो फ्री फायर की ऑडियंस है बच्चे, वो सोचते हैं भैया ये भगवान है, ये कुछ नहीं है भैया, ये है एमुलेटर टाटे। अगर तुम एमुलेटर टाटे होते तो तुमको पता होता है कि कितना बड़ा प्रो प्लेयर है, और मोबाइल के बंदे मार के अपने आप को समझते हैं जो लेजेंड, लेजेंड तो है नहीं लेकिन ये। अब देखो भैया जो इनके साथ प्लेयर खेलते हैं वो भी भाई हो जाते हैं, मतलब इनकी कास्ट यानी कि भाई में चले जाते हैं, जैसे कि अज्जू भाई, अमित भाई, जॉन्डेस भाई, अनदर, बहुत सारे भाई भाई जो भी इनके साथ खेलते हैं। ये भी भैया, वो भी भैया, मैं भी भैया हूँ। सरकार को BST का नाम बदल कर भैया ट्रांसपोर्ट रख देना। अरे भाई बनने का शौक तो इतना सल्लू भाई को भी था, जो उनसे सब सल्लू भाई बोलते हैं। देखो इनके उसमें एक और बाबली गांड है जिसे कहते हैं भैया देसी गेमर, तो देसी गेमर की हम किसी और दिन लेंगे, अगर तुमको उसकी भी रोस्टिंग चाहिए तो #देसी चाहिए लिखो कमेंट सेक्शन पे। भैया जो इसका कमेंट सेक्शन होता है और जब लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है तो उसमें स्पैम क्या हो रहा था, भैया डीजे आलोक दे दो, भैया हमको निंजा का बंडल दे दो, भैया डायमंड दे दो, भैया कुछ तो दे दो प्लीज। लेकिन मिलता क्या है, लैंड। क्या मिलता है भैया, लैंड, किसी का पिन, जिसका जो कमेंट होता है ना उसमें रिप्लाई तक नहीं जाता कितनों का, और वहां पर वो खाली ये होता भैया डीजे आलोक दे दो। भाई इसने आज तक एक भी चैरिटी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करी जिससे चैरिटी को फायदा हो, बल्कि इंडिया का नंबर वन गेमिंग चैनल है टोटल गेमिंग, फिर भी इसने आज तक एक भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की। जो गिव अवे की बात रही, गिव अवे तो मैंने इसके उसमें इक्का दुक्का ही देखे होंगे जो स्टार्टिंग पे हुए, बाद में तो इसने सारा पैसा इकट्ठा किया और इनके अकाउंट में डाल दिया, और वहां पर को भाई इसने आज तक फेस रिवील भी नहीं किया है। फेस रिवील तो इसकी खुद की चॉइस है, उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन भैया कभी गिव अवे कर लो, कभी चैरिटी लाइव स्ट्रीमिंग कर लो, इतना बड़ा चैनल होने के बाद इतना पैसा अपनी अकाउंट में डालते हो क्या? भाई फ्री फायर में इतने सारे बंदे हैं ना जिनका रियल कॉन्टेंट है, जो तुम्हारे लिए हमेशा सोचते हैं तुम्हारे बारे में, मतलब अच्छी वीडियो बनाते हैं, लेकिन उनके उसमें अच्छे व्यूज नहीं आते, उनको इतनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचाती है ऑडियंस, ये बच्चे
पता नहीं अज्जू भाई के पीछे क्यों दीवान है, अज्जू भाई को ही ऊपर ला रहे हैं। कितने कंटेंट ऐसा बनाते हैं, इतना बढ़िया कंटेंट होता है, इससे 10 गुना अच्छा खेलते होंगे वो भी मोबाइल से, लेकिन उनके उसमें अच्छे व्यूज नहीं आते, सब अज्जू भाई के पीछे पड़े हुए हैं। अज्जू भाई यहाँ, अज्जू भाई वहाँ, अब अज्जू भाई हो भगवान नहीं है। अज्जू या तो मोबाइल का प्लेयर होता तब हम भी कुछ कहते, पीछे से तो खेलता है और अपने आप को समझता है खुदा भैया। तो भाई लोगों ये थी आज की वीडियो, वीडियो पे 50 लाइक एम कंप्लीट कर देना, अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कंटेंट कहीं भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना भूलना मत, और कमेंट में हैशटैग देसी चाहिए लिखना मत भूलना। सो मिलते हैं अगले एपिसोड पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, टाटा, बाय बाय।